जैसे हम सारे वहाँ पे पहुँचे, सारे वहाँ पे बांग्लादेशी थे, हमने सिर्फ उनको एक ही बोला, मैं सारे निकलो यहाँ से, मतलब सारे भगो बांग्लादेश, तुम्हारा यहाँ पे सपोलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि जो तुमने बांग्लादेश के हाल करा वही भविष्य हमको तुम भारत का हाल करने वाले हो। कोई अफसोस नहीं है आपको कि आपने ऐसे हाथ उठाया उनके? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे प्राउड है, गर्व है भाई, दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि वहाँ पर मरने वाली हर एक बहन बेटी के साथ रेप होने वाला वो मेरी बहन है, वहाँ पर मरने वाला हर एक हिंदू परिवार मेरा परिवार है, और मेरे परिवार पे और मेरी बहन बेटी पे ऐसी कोई बात आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने के। ये सरकार हम पे NSA भी लगा देना इस चीज़ के लिए, तो भाई उसके लिए भी हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। इसी डंडा स्वागत किए, ठीक है, और गर्व से कह रहे स्वागत किए, स्वागत नहीं अलविदा किए बांग्लादेशी मुस्लिम को। और क्यों किए? क्योंकि सर इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया, काली मंदिर को तोड़ा गया, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया। जब हम लोग जहांगीरपुरी जाते तो वहां पता चलता है वहां सिक्योरिटी मिला हुआ है। लाठी का विकल्प है, कानून के जरिए जा सकते हैं, सरकार के जरिए में सर। तो फिर बांग्लादेश में कौन सा कानून है? आप चाहते हैं मोदी जी को इस देश से भगा दिया जाए वैसे ही शेख हसीना की तरह? आप चाहते हैं कि इस देश में वैसे ही महिला का बलात्कार किया जाए लोग बोल के? अगर नहीं चाहते सर तो समर्थन में खड़े हो जाइए। भाई इन रगों में जो है ना, इन रगों के अंदर जो ना छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, आइडियोलॉजी उनकी है हमारे अंदर। और जब तक इस देश के अंदर ऐसे सपोले हैं जो पनपते रहेंगे, उन्हें भाई यहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी जिंदगी अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूँ, अगर इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े हिंदुत्व के लिए, मैं वो भी दे दूंगा। अगर देश को बचाना, हिंदुत्व के लिए लड़ना, गौ माता के लिए लड़ना, अगर आपकी नज़रों में आतंकवादी हूँ, गुंडा हूँ, तो फिर ठीक है, आपकी नज़रें ठीक है, हम भाई गुंडे ही सही। भाई ये जो ना जो हमने कराया ना, ये आज हर एक जो जितने भी देश के संगठन बने पड़े, हिंदू संगठन है, जो देश के युवा है, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिया मुसलमान है, दिल्ली के हर एक कोने बसे पड़े, तो ये तो बहुत पहले करने की जरूरत थी। आज इतने दिन हो गए, आज वहाँ की जो प्रधानमंत्री भाग के यहाँ पे आ गई, वो अपना बचाव करने के यहाँ पे भाग के आ गई। आप ये सोचो, म्यांमार से हमें भगाया गया, भूटान से हमें भगाया गया, पाकिस्तान से हमें भगाया गया, यहाँ के इस बात को हिंदू विचार क्यों नहीं करते कि जिस दिन अगर ऐसी कोई भी यहाँ पे ऐसी कोई घटना घट गई तो यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे? और जो पीड़ा, जो दर्द वहाँ के हिंदुओं की है, जो वहाँ के जो चुन चुन कर उन्हें मारा जा रहा है, तो भाई किस लिए शांत बैठेंगे? इन सपोलों को, इन गद्दारों को यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि आज ये सांप अगर यहाँ पलते रहे तो आने वाले भविष्य में यही सांप बनकर ये पूरा डसने का काम करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। जब आप वहाँ पे पहुँचे उस बस्ती में, तो क्या कुछ वहाँ पे हुआ, एक बार दर्शकों को बताइए। जैसे हम सारे वहाँ पे पहुँचे, सारे वहाँ पे बांग्लादेशी थे, हमने सिर्फ उनको एक ही बोला, मैं सारे निकलो यहाँ से, मतलब सारे भगो बांग्लादेश, तुम्हारा यहाँ पे सपोलो, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम भविष्य में आके इस देश के जो तुमने बांग्लादेश के हाल करा वही भविष्य हमको तुम भारत का हाल करने वाले हो। यही पीड़ा थी, यही दर्द था, इसलिए हमने वो काम करा, और इसके लिए मेरा मुकदमा भी हो चुका है, और अगर जेल जाना पड़ा, अगर अरेस्टिंग भी हुई और सजा भी हुई, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई इसमें ना डर है ना कोई सर। कोई अफसोस नहीं है आपको कि आपने ऐसे हाथ उठाया उनके? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे प्राउड है, गर्व है, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हमारी बहन, हिंदू बहन बेटियों के साथ में रेप कर रहे हैं, जितने भी यहाँ दिल्ली NCR में बांग्लादेशी बसाए पड़े हैं, और मैं उन हिंदुओं को थू कहता हूँ जिन्होंने अपने किराए पर जगह रहने के लिए शरण दे रखी है इन्हें। आने वाले समय में ध्यान रखना, तुम्हें ये सांप तुम्हें डसने का काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी वीडियो आने से भाईचारा खराब हो जाएगा। अरे कौन सा भाईचारा, बंगाल देश में देखो ना भाईचारा, बंगाल में देख लो, केरल में देख लो भाईचारा, पता लग जाए कितना बड़ा भाईचारा है। आज भी भाईचारे पर डिपेंड हो गया तुम, आज भी भाईचारे से उम्मीद रख रहे हो? ये सारे क्रूरता, इनके अंदर क्रूरता देख रहे हो, इनके अंदर दरिंदगी, बर्बरता देख रहे हो, किस तरीके से इन्होंने लाशें टांग दी उन पर, फ्लाई ओवर पर लाशें टांग रहे, जिंदा गाड़ियाँ जिंदा जला दी, तो भाई दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि वहाँ पर मरने वाली हर एक बहन बेटी के साथ रेप होने वाला वो मेरी बहन है, वहाँ पर मरने वाला हर एक हिंदू परिवार मेरा परिवार है, और मेरे परिवार पे और मेरी बहन बेटी पे ऐसी कोई बात आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने के। अगर उनको हटाना था, कई लोग कहेंगे आप नॉर्मल जाकर के उनको बोल सकते थे, अपील कर सकते थे, सरकार से कह सकते थे, डंडा लेके हाथ में होने के बाद भी, इतना होने के बाद भी उन्हें नॉर्मल बोलेंगे भैया एक काम करो आप अपने उठाओ और अपने अपने बांग्लादेश वापिस चले जाओ। भाई जो करा हमने बहुत कम करा है, उससे ज़्यादा करने वाले थे, लेकिन ठीक है, जो हमने कर दिया बढ़िया कर दिया। और एक मैसेज था सभी के लिए कि जहाँ जहाँ जितने जगह ये बसे पड़े, रोहिया मुसलमान बांग्लादेश से आए हुए जहाँ बसे पड़े, इन सबको वहाँ से खाली करवाओ। तो वहाँ से वो भाग करके घर में चले गए या फिर वहाँ से भगाई थी? सारे भाग के रोड पर भागे हैं, उसके बाद वहाँ से क्योंकि पुलिस आ चुकी थी तो वहाँ से हम निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैसेज दे चुका है, मैसेज हम दे चुके हैं, और सबको समझ में भी आ गई होगी ये बात कहीं ना। और यार एक चीज, कितना दुर्भाग्य इस देश का है, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, कालंदी कुंज, सारे रोहिया मुसलमान है बांग्लादेश के, उन्हें वहाँ पे सुरक्षा दे रही है सरकार, है इन सपोलों को पाल रही है, इतना होने के बाद में इतनी दर्दनाक वीडियो वहाँ से बंगाल देश से आ रही है, तो शर्म आ रही है थोड़ी सरकार को भी, ये कर क्या रहे हैं? आपको लग रहा है मजबूर होकर के हिंदू समाज को आगे निकलना पड़ा, हाथ उठाना, हाथ में डंडा उठाना, मजबूर होके, पीड़ा होके, दर्द, मतलब हमने सोच समझ के, मतलब अब इसके लिए अगर हमने फांसी भी चढ़ा दो ना, अगर ये सरकार हम पे NSA भी लगा देना इस चीज़ के लिए, तो भाई उसके लिए भी हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं।
लेकिन बिल्कुल जो हमने करा है इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल रहे हैं भाई, हमने कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ना जेल जाने का और ना हमने कोई मुकदमा लगाया, किसी बात का हमें डर नहीं, अरेस्ट होने का कोई डर नहीं है भाई। और अरेस्ट होंगे, हमें पता अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये दुर्भाग्य इस देश का है कि जब भी कोई युवा ऐसा काम करता है उस पर उल्टा उसे सजा मुकदमा दे दी जाती है। पिछली बार जब मैंने कन्याकुमारी के चाटा, एक देशद्रोही के चाटा मारा, उसके बाद मुझे सजा भुगतनी पड़ी, आज ही मुकदमा चल रहा है, आज ही भुगत रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया चाहे इसके लिए मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी जिंदगी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ हूँ, अगर इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े हिंदुत्व के लिए, मैं वो भी दे दूंगा। पर जैसे आपने इस तरीके की कार्रवाई की, हो सकता है आपके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो, आपको अरेस्ट कर लिया जाए, बोलने का मौका ना मिले, पर आज जो हिंदू समाज के लोग आपके फॉलोवर देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दे? सब मेरे भाई मेरी बात सुन, वहाँ पर जाने वाले सिर्फ हम चार व्यक्ति थे, एक ये खड़ा, एक मैं खड़ा हूँ, दो और थे जिनमें मैन हम दोनों थे। अगर हम ये सोच के जाते ना जितनी वहाँ पे लोग थे चाहते, तो वहाँ से हम जिंदा बच के नहीं आ पाते। हमने अपनी जब मौत दाव पे लगा दी, जब अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, उसकी फिक्र नहीं करी, तो भाई ये गिरफ्तारी, अरेस्टिंग, ये मुकदमा, ये जेल, तो भाई इनसे क्या डरना भाई। इन रगों में जो है ना, इन रगों के अंदर जो है ना, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, आइडियोलॉजी उनकी है हमारे अंदर। और जब तक इस देश के अंदर ऐसे सपोले हैं जो पनपते रहेंगे, उन्हें भाई यहाँ नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक इस युवा से, अगर ऐसे सपोलों को अगर इस तरीके आज भी आँख बंद करके रहोगे कि जहाँ पे हमारी बहन बेटियों को जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, और बांग्लादेश नहीं है, बंगाल देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ ना। अरे आज अगर ये सरकार लाठी बजाएंगे, कल रोने आ जाएंगे वो लोग रोड पे, कहेंगे मुसलमान खतरे में है, खतरे में। और पहले ना मुसलमान खतरे में है इस देश का, मुसलमान के लिए इस देश का मुसलमान है हमारा अपना, इस देश का नहीं हमारा अपना। वो तो जब भी बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो हमारे अपने हैं। जो हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को मार रहे हैं, वो हमारे अपने कहाँ से हो जाएंगे? कौन से बहम में हो कि वो हमारे अपने? अब तो लग रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हिंदू समाज अब सीख ले सकता है, समय रहते है। सबसे बड़ी सीख उन सेकुलर हिंदुओं के लिए है जो हमेशा भाईचारे की विश्वास करते हैं, जो हमेशा जो हमारे जैसे युवाओं को नफरती बताते हैं, हिंदू मुस्लिम कराने वाली बात करते हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है कि भैया इस देश के अंदर रहना पड़ेगा तो भाई इस देश को अपना मानना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा हमारा मैसेज है। भाई आप बताइए, आप भी वहाँ पर थे जब, जिस तरीके से वहाँ पे लोग थे इतनी भारी संख्या में, वीडियोस में नजर आ रहे थे, दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही? जी पहली बात तो पत्रकार महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में, भारत देश में, जब बांग्लादेशी जितने भी जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश में, उस हिंदुओं को यहाँ पे मारा जा रहा है, वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इतना साल पुराना जो बांग्लादेश का ढाका जो राजधानी है, उस ढाका में इस्कॉन टेम्पल था, उस इस्कॉन टेम्पल जो टेम्पल उन लोग को कितना दिन तक खाना खिलाया, 2 महीना 6 महीना अभी तक खाना खिला रहा था, उस इस्कॉन टेम्पल को ये लोग तोड़ने का काम किया, सर महिला का बलात्कार किया, इस्कॉन टेम्पल तोड़ा, 50 साल पुराना मंदिर, काली माँ का मंदिर तोड़ा। अब ये सब सुनने के बावजूद भी अगर इस देश का हिंदू अगर सो रहा है, और इस देश का हिंदू अभी भी शांत है कि भाई हम लोग नहीं कुछ कर रहे, हम लोग बांग्लादेशी रहेंगे, रहने देंगे, तो सर हम लोग इस प्रकार कायर नहीं है। आप सुने होंगे अभी तक शायद बोले कि सिर्फ 4 लोग गए थे, तो हम गर्व से कहते हैं हम ही 4 लोग सिर्फ मर्द है। अगर तुम लोग के अंदर में भी अगर थोड़ा सा भगत सिंह मनाना पड़ता हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है, तो तुम लोग भी जितने भी रहोगे इनको यहाँ से भगाने का काम करो। और सर हमको दिखाना चाहते हैं कहाँ गया डंटा, ये आपको सौभाग्य का बात है कि आपके कैमरा पे डंटा हम दिखा रहे हैं, इसी डंटा स्वागत किए, ठीक है, और गर्व से कह रहे स्वागत किए, स्वागत नहीं अलविदा किए बांग्लादेशी मुस्लिम को। और क्यों किए? क्योंकि सर इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया, काली मंदिर को तोड़ा गया, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया। जब हम लोग जहांगीरपुरी जाते हैं तो वहाँ पता चलता है वहाँ सिक्योरिटी मिला हुआ है। लाठी का विकल्प है, कानून के जरिए जा सकते हैं, सरकार के जरिए में सर, तो फिर बांग्लादेश में कौन सा कानून है? और यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? भागलपुर दंगा हुआ, कश्मीर पंडित के साथ जो हुआ, और जो जो हिंदुस्तान में हुआ था, जो जो हो रहा है, कश्मीर पंडित, गोधरा कांड, आप देखे होंगे ये सब जो काम यहाँ हुआ था, सेम वही काम बांग्लादेश में होने का काम कर रहा है। आप चाहते हैं मोदी जी को इस देश से भगा दिया जाए वैसे ही शेख हसीना की तरह? आप चाहते हैं कि इस देश में वैसे ही महिला का बलात्कार किया जाए लोगों को बोल के? अगर नहीं चाहते हैं सर, तो समर्थन में खड़े हो जाइए, और हर एक सनातनी कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जब कोई किसी तरह का अफसोस नहीं है कि आपने इस तरीके के उनके ऊपर जो है वहां पर जो है गए और इस तरीके का काम? नहीं पत्रकार महोदय, 0% नहीं। जब 4 आदमी मिलकर जाए गए जान का बिना पड़वा किए हुए, माँ बाप के इकलौते बेटे हैं सर, और फिर भी अगर कूद के गए ना इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं इतना आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग की भावना को ठेस पहुंचा है। जब यहाँ पे जय फिलिस्तीनों बोला था तो भी गए थे, जब यहाँ पे अकबर बाबर रोड का देखे तो हमको भी खराब लगा, मेरे भावना ठेस पहुंचा तो भी मिटाए, और अभी फिर हमको ये चीज खराब लगा कि हमारे बांग्लादेश में जो है कहीं ना कहीं हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे जाके प्रतिकार किए। और आने वाला टाइम में अभी बस हम लोग आगाज किए, हर एक हिंदू से बोलना चाहते हैं कायर मत बनो, तुम्हारे भी इर्द गिर्द में कोई ना कोई बांग्लादेशी मुस्लिम लोग रह रहे, उन लोग को भगाने का काम करो। नहीं भगाओगे तो आने वाले टाइम में मेरी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ है, मेरी बहन सुरक्षित है, मेरी माँ भी सुरक्षित है, दक्ष भैया की माँ बहन भी सुरक्षित है, दिक्कत तुम्हारे साथ ही होगा, तुम ही लोग के लिए लड़ रहे हैं। और अगर अभी तुम लोग
प्रतिकार नहीं करोगे तो कश्मीरी पंडित के साथ जो हाल हुआ था वो देख लो, बांग्लादेश में जो हाल हो रहा है वो देख लो, पाकिस्तान में जो हाल हुआ था देख लो, और अभी जो बंगाल में हाल हो रहा है कंटिन्यू हिंदू को जो मारा जा रहा है वो भी देख लो। जैसे आपने इस तरीके का काम किया, हो सकता है आपको कार्रवाई हो जाए और अरेस्ट भी हो जाए, बोलने का मौका भी बाद में ना मिले। लास्ट में कोई दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो काम किया, किसी भी तरह से और भी जो लोग हिंदू समाज है बांग्लादेश से कोई सीख ले सकते हैं? सर पहली बात तो अरेस्टिंग का मेरे ऊपर उसी टाइम में जब हम बाबा रिकॉर्ड वाला काम किए तो भी निकला था और वो इसी टाइम में भी निकला था, तो अरेस्टिंग के लिए मेरा हमेशा हाथ रेडी है, ठीक है, अरेस्टिंग से कोई डर नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक चीज़ से है ना कि थोड़ा सा सरकार को जो नहीं ये चीज़ समझना चाहिए और संविधान में ये चीज़ बदलना चाहिए कि इस देश के जो नागरिक हैं उनको ना प्रोटेक्शन दे के जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बलात्कार कर रहे हैं, जो यहाँ पे जाकर रेडी पेटरी लगा के और ब्लेडबाजी कर रहे हैं, उनको यहाँ आने के लिए पना दिया जा रहा है। जब वहाँ जाके हम लोग पोस्टर लेके से प्रदर्शन करते तो वहाँ से पुलिस हम लोग को हटा रहा है, तो सर ये देश का दुर्भाग्य कि हम लोग इस देश के होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो इस देश में इससे बढ़िया हम लोग जेल में ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर भी रहकर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अब भी ना जागे ना तो अपनी खतनी कराएं और ऊंचा पजामा पहन के टोपी लगा लें अगर अब भी नहीं जाग रहे तो, क्यों? क्योंकि सब अब जो हमने करना था वो हमने कर दिया है, लेकिन आपको अब जो करना है आपको सही ढंग से पता होना चाहिए हमें करना क्या है। और जितने भी हिंदू संगठन है, 300,000 संगठन हिंदू हैं, वो किस बात के लिए वेट कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों मौन है भाई, कहाँ हो तुम, क्यों ना आते तुम? सरकार के ऊपर भरोसे बैठे हो क्या कि सरकार कुछ करेगी तब कुछ करोगे तुम? किस बात के हिंदुत्ववादी तुम संगठन बने पड़े हो फिर? तो भीड़ के सामने सरकार को भी भागना पड़ा भैया वहाँ। आप ये सोचो ना कि जब वहाँ पे वहाँ की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा और जब यहाँ के कुछ विपक्ष के नेता ये बयान दे रहे हैं कि जब वो तो भैया वो तो चलो भारत भाग के आ गई, जब यहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ भाग के जाएगा? तो इनके इरादे समझो, ये करना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? और भांड बॉलीवुड है, जब हमास के लिए दर्द दिखा रहा था आज ये चुप क्यों है? विपक्ष आज मौन क्यों है? ये सीखने वाली बात है इस भारत के प्रत्येक हिंदू को, जो ऑल आइज ऑफ रफा कर रहे थे आज वो शांत क्यों बैठे हैं इस पे बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है आज क्यों नहीं बोल रहे? और इन्हीं की पिक्चर देखने जाओगे जाके थिएटर में जाकर, सोचना जब थिएटर में पढ़ने से पहले ये सोचना कि ये बॉलीवुड वही भांड बॉलीवुड है जब हमास के अंदर रफा के अंदर आतंकवादी संगठन जो वहाँ पे बर्बरता करते हैं उसके बाद भी उनका ये दर्द झलकाते हैं उनके लिए, लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हिंदू बहन बेटियों के साथ में बर्बरता होती बलात्कार होता है लेकिन इनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता, एक स्टोरी। और जितने भी ये क्रिएटर इन्फ्लुएंसर जिन्हें अपना तुम आइडल मानते हो, जितने भी ये बने पड़े हैं जिनको 23-23 मिलियन 22-22 मिलियन दिलाकर तुमने बिठा रखा है सोशल मीडिया पे, उनके एक पोस्ट नहीं डली हिंदुओं के जो बांग्लादेश के अंदर होना है। तो ये आज के युवाओं को सीखने वाली बात है कि भैया आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए हमारे जैसे जैसे क्रांतिकारी को ही समर्थन करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा हमारा, वरना ये सरकार हमें तोड़ देगी और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। सर बस इतना, रोहित शर्मा की बीवी कहाँ है अभी, अजीत अंजुम कहाँ है, साक्षी जोशी कहाँ है ऑल आइज ऑन रफा वाली, प्रज्ञा मिश्रा कहाँ है, अजीत अंजुम कहाँ है, रवीश कुमार कहाँ है, कोई नहीं है भाई आपको दिखेगा। जितना बॉलीवुड जिहाद वुड जो बना हुआ है एक भी वुड आपको नहीं दिखेगा, इस टाइम में नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे कौन प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू हो रहा है, मतलब हिंदू तो अपने है ही नहीं। अगर बांग्लादेश में यही सेम अगर मुस्लिम को मारा जाता तो जितना भांड जितना भी है बॉलीवुड जिहाद वुड सब खड़ा हो जाता समर्थन में। पहले में भी आएंगे मुझे लगता है, जहाँ तक ये वीडियो जैसे उनके पास आएगी कि मुसलमानों पर देखो कैसे हिंदुस्तान में, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे सबसे पहले साक्षी जोशी समर्थन में खड़ी होगी, हम लोग के खिलाफ हो जाएगी और बांग्लादेश के जितने मुस्लिम है जिहादी है उनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। कन्हैया को जब चाटा मारते साक्षी जोशी सबसे पहले वीडियो बनाई थी, तो सर कहीं ना कहीं वही तो कह रहे हैं सर, साक्षी जोशी हो ये लोग हिंदू हो के ये लोग हिंदू का विरोध कर रही है, और हिंदू जहाँ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं तो भी ये लोग को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। आपके चैनल के माध्यम से साक्षी जोशी ये कहना चाहता हूँ कि साक्षी जोशी जी आप अपना नाम सरनेम चेंज कराइए और साक्षी खान बन जाइए, ठीक है, आप अपना पहले नाम चेंज करा लीजिए। और रही बात आप जिस आपकी शायद नज़रों में मैं आतंकवादी हूँ क्योंकि आपने अपनी वीडियो के अंदर हमेशा मुझे आतंकवादी किया है, अगर देश को बचाना हिंदुत्व के लिए लड़ना गौ माता के लिए लड़ना अगर आपकी नज़रों में आतंकवादी हूँ गुंडा हूँ तो फिर ठीक है आपकी नज़रें ठीक है हम भी गुंडे ही सही, लेकिन कभी भी जो कार्य हम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे भविष्य में, इससे कोई हमारी ये नहीं है कि हमारे कोई पैर उखड़ गए हम आज कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में कितनी शक्ति है, कितने सनातन धर्म के लोग आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं प्यार दे रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई सब झेल लेंगे। सर लास्ट हिंदुओं के लिए एक ही मैसेज है, आने वाला टाइम में अपना रक्षा खुद करना पड़ेगा स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम में तुम्हारे भी घर परिवार पर बात आएगा।